आपसे एक सवाल है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू मेक अ गुड फिश फ्राई? तो जवाब मैं बताऊँ, एज लॉन्ग एज इट टेक्स टू प्री हीट द फिलिप्स एयर फ्रायर। जी हाँ, 5 मिनट के लिए फिलिप्स एयर फ्रायर को हम प्री हीट करेंगे। जब तक फिलिप्स एयर फ्रायर प्री हीट हो रहा होगा तब तक अपनी फिश जो है वो अंदर जाने के लिए रेडी हो जाएगी। ठीक है, चलिए 6 मिनट के लिए प्री हीट कर लेते हैं, थोड़ा लीवे ले लेते हैं, कैमरे वैमरे ऑन है। अदर देन दैट दैट्स ऑल यू नीड। राइट, लेट्स स्टार्ट विद द प्री हीटिंग। 6 minutes, 190। ये आवाज़ सुन लीजिए, देखिए ये आवाज़ अगर आती रहेगी इसका मतलब प्री हीटिंग ऑन है, इसका मतलब रणवीर ने चीटिंग नहीं करी। सबसे पहले बनाना है फ्राइड फिश का मैरिनेशन, जिसके अंदर जाएगा जिंजर गार्लिक पेस्ट, ऑयल, सॉल्ट, चिली पाउडर, हल्की सी हल्दी, हींग और धनिया कड़ी पत्ता, जितना बारीक आप चॉप कर सकते हैं उतना बारीक चॉप कर लीजिए कड़ी पत्ता। और इन द मीनवाइल मछली के ऊपर थोड़ा नमक, ठीक है ना, और थोड़ा नींबू लगा देते हैं। चलिए 2-4 मिनट मच्छी को छोड़ देते हैं, वापस आते हैं अपने प्रिय मित्र धनिये पे। You want to really finely chop the herbs, whether it's coriander or curry leaves. जितना बारीक चॉप करेंगे उतने सूखी रहेंगे, ठीक है ना। ब्यूटिफुल। रेड चिली पाउडर, और क्योंकि देगी मिर्च है ना सब यूज हो जाएगी। लेमन जूस, ऑयल एंड द मैरिनेशन इज रेडी। देखिए फिश पे नमक लगा के और नींबू लगा के फिश पे एक सफ़ेद परत आ गई ना, मतलब द फिश है स्टार्टेड क्योरिंग एंड कुकिंग। 60 सेकेंड रह गए हैं उधर, और ये गई अपनी फिश। परफेक्ट, ठोक के मसाला लगाना है ऊपर। देखिए टेक्निकली मैंने कर लिया अपना काम, टेक्निकली जैसा मैंने कहा था कि प्री हीट होने से पहले हमारी फिश मैरिनेटेड एंड रेडी टू फ्राई है। वेल, ऑलमोस्ट रेडी टू फ्राई है, बिकॉज अभी थोड़ा रवा ववा लगाना है। बगैर रवे के भी डाल सकते हैं इसको। अच्छा, क्या आप जानते हैं कि फिलिप्स एयर फ्रायर दुनिया का सबसे ज़्यादा अवार्डेड एयर फ्रायर है? 2017 में प्रोडक्ट ऑफ द ईयर, रेड डॉट डिज़ाइन अवार्ड, 2018 में बेस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड, इनोवेशन अवार्ड, रेड डॉट डिज़ाइन अवार्ड, 2019 में बेस्ट बाय अवार्ड और 2 अवार्ड 2020, 2021 में बेस्ट एयर फ्रायर, बेस्ट एक्स अवार्ड, गोल्ड अवार्ड फॉर द बेस्ट स्मॉल किचन अप्लायंस। और क्या चाहिए भाई? देखिए अब सवाल ये उठता है कि फिश फ्राई के लिए फिश कौन सी अच्छी, और उसका जवाब ये है कि एनी फिश दैट इज हाई इन फैट, यानी कि जिस फिश में फैट ज़्यादा हो, चाहे वो सुरमई हो, मैकरल हो, सार्डिन हो, यूजुअली सी फिश जिसमें कि फैट ज़्यादा है उसको इस्तेमाल करना चाहिए फ्राइंग के लिए, वरना वो ड्राई हो जाती है। राइट, लेकिन अगर आपके पास सिंघाड़ा है तो सिंघाड़ा और कैटफिश ये सारी जो हैं बड़ी अच्छी हैं फ्राइंग के लिए। सो एज अ जनरल रूल, सुरमई मिलती है, सुरमई ले लीजिए, मैं सुरमई यूज़ कर रहा हूँ। अभी क्या करना है? क्रम्बिंग। बेसिकली अपना एयर फ्रायर रेडी है, अपना रवा रेडी है, फिश, रवा एंड डन। मसाले में कंजूसी ना करें, फिश, रवा एंड डन। अब यहाँ पे रवा लगाने का मकसद जो है दैट्स टू फोल्ड। राइट, सबसे पहला मकसद ये है कि रवा जो है वो मसाले को पकड़ेगा, बहने नहीं देगा। अब देखिए अगर मसाले की बात करें तो पहले तो अगर आप चाहें तो मसाले के अंदर हल्का सा चावल का आटा मिला सकते हैं ताकि मसाला अच्छे से पकड़ ले मच्छी को। राइट, बिकॉज मच्छी पानी लूज़ करती है ना, तो फिर वो कई बार मसाला बहने लग जाता है। दूसरी चीज़, रवा का मकसद वही है, मसाले को पकड़ के रखना। तीसरी चीज़, अगर आप रवा लगा रहे हैं तो इसको 12 मिनट के लिए अगर आप डाल रहे हैं तो 6 मिनट बाद हल्का सा ऑयल से ब्रश कर लीजिएगा। रवा जो है रूखा होता है, ड्राई होता है, आपकी डिश ड्राई हो जाएगी। राइट, ऑप्शनल है मगर कर लीजिए, अगर करेंगे तो मतलब फ़ायदा होगा। देखिए अब यहाँ पर मैंने क्या किया है, मैंने 6 मिनट के बाद ऑयल हल्का सा ब्रश किया है फिश के ऊपर, और उसके बाद मैंने टेम्परेचर कर दिया है 200। हाँ, पहले टेम्परेचर रखना है 180 to 185 ताकि मसाला जो है उसको फ़िश के अंदर रचने का मौका मिले, फ़िश अगर अंदर से ठंडी हो तो उसको पकने का मौका मिले। उसके बाद फिर हमको क्रस्ट बनानी है, और क्रस्ट बनाने के लिए हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया। राइट, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। बाद में पूरे 200 पे करिए इसको। ऑलमोस्ट डन। लेमन वेजेस काट लेते हैं गार्निश के लिए, और धनिया धनिया रख लेते हैं। है? रेडी? नाइस। कोई नहीं कह सकता कि मच्छी तेल में फ्राई नहीं हुई है। बाकी चिपकेगा कुछ नहीं, उसकी टेंशन मत लीजिए। ब्यूटीफुल। दिखने में, खुशबू में और जायके में हमारी गारंटी, और साथ में गारंटी है फिलिप्स एयर फ्रायर की। ठीक है ना? लुक एट द शाइन, द ग्लेज, द जूसीनेस। ऐसा लग रहा है ना कि जूसेस बिल्कुल लॉक हो गए फिश के अंदर। भाई साहब माहौल बना दिया मच्छी ने। ब्यूटीफुल। एंड हु वुड हैव गेस्ड इट्स नॉट फ्राइड।